चलें गुरुकुल डे फाइव। गुरुकुल डे फाइव क्वेश्चन इस प्रकार से है, इन अ पोटेटो रेस, इन अ पोटेटो रेस ईच पोटेटो इज प्लेस्ड, ईच पोटेटो इज प्लेस्ड at a distance of 3 centimeter. Each potato is placed at a distance of 3 centimeter. First potato being placed at 5 centimeter. Rima has to take each potato and put back into the bucket placed at starting point. Find total distance covered. Find total distance covered by Rima if 10 potatoes are there. Find total distance covered by Rima if 10 potatoes are there. अभी सर कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे बकेट पड़ी हुई है, ठीक है ना। अब पहला पोटेटो कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हर पोटेटो 3-3 सेंटीमीटर का आलू पड़ेगा। अब रीमा को करना क्या है कि इन पोटेटो को उठा उठा के वापस से यहाँ पे आना है, उठाना है, फिर डाल के आना है, फिर आना है, फिर डाल के आना है, फिर आना है और फिर डाल के आना है। ऐसे में उसने आपसे पूछ लिया कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है रीमा का। मतलब देखो यार, ये बात तो मुझे पता है कि पहला पोटेटो कितना है, 5। स्टार्टिंग पॉइंट से देखे दूसरा पोटेटो कितना है, 8। तीसरा पोटेटो और 3 सेंटीमीटर दूर है तो तीसरा पोटेटो कितना है, 11। चौथा पोटेटो और 3 सेंटीमीटर दूर है तो कितना हो गया, 14। गेटिंग इट। तो 5, 8, 11, 14 ये एक प्रकार से क्या चल रहा है एपी। तो अगर अपन सर बात करें कि जाना भी है और आना भी है, तो सर बात तो सही है, जाना और आना दोनों ही करना पड़ेगा। तो सर टोटल डिस्टेंस के लिए अपने को निकालना पड़ेगा एस ऑफ एन, और एस ऑफ एन का भी डबल करना पड़ेगा क्योंकि जा भी रही है और आ भी रही है। तो एस ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू, 2a + n - 1 × d। एन बाय टू, 2a + n - 1 × d। तो सर कितने पोटेटोज हैं, 10। तो 10/2, 2 × a मतलब 2 × 5 प्लस 10 - 1 × d इज 3। तो 10/2 इज 5, 10 + 9 × 3। तो कहीं ना कहीं अगर अपन इनको बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 5, 27 + 10 = 37। और इसको एंड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से क्योंकि जा भी रही है और आ भी रही है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 370। चेक करो क्या क्वेश्चन आया, कॉमन डिस्टेंस ऑफ 2 APs इज सेम एंड इफ द डिफरेंस इन देयर हंड्रेड टर्म इज 100, इफ द डिफरेंस इन देयर 100 term is 100, find the difference in their 1000 term. Find the difference in their 1000 term. सर इसका अर्थात क्या कि दो APs हैं, इस AP का A मान लो A1 है, D है, और दूसरे AP का A2 है और D है, क्योंकि दोनों का common difference same है। वो बोल रहे हैं इस AP की A of 100, A dash की और A double dash की A of 100 के बीच का difference कितना है, 100।
तो दो एपीज की कॉमन डिफरेंस का जो सम है वो कितना है 100। तो सर यहाँ पे कितना आ रहा है वो A1 प्लस 99D और यहाँ पे कितना आ रहा है A2 प्लस 99D। इन दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस कितना बोल के रखा है उन्होंने 100 टर्म का डिफरेंस कितना बोल के रखा है उन्होंने 100। तो सर इसको खोलेंगे तो 99D से 99D कैंसिल, आपके पास आ गया A1 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना 100। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना 100। सर अगर हम आपसे आगे बात करें कि A1 माइनस A2 कितना हो गया आपके पास 100, तो ओले होले और आराम से इनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। सर अपन इनके 1000 टर्म निकालते हैं, सर A1 का 1000 और A2 का 1000, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999। सर अगर इसकी 1000 टर्म और उसकी 1000 टर्म निकाल के देखिए तो A1 प्लस 999D से 999 कैंसिल, बच कितना गया A1 माइनस A2। सर क्या वो ऑटोमेटिकली 100 ही होता है क्या जैसे ऊपर आया था, तो द आंसर इज यस। तो सर क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द डिफरेंस इन देयर, आपको सोचो डिफरेंस इन देयर 100th टर्म, डिफरेंस इन देयर 100th टर्म विल बी 100, सो डिफरेंस इन देयर 1000th टर्म भी क्या हो जाएगा दोस्तों 100 ही होगा। अगर तुमसे इस क्वेश्चन के अलावा 1000 टर्म के अलावा ये पूछते फाइंड द डिफरेंस इन देयर 40th टर्म, A1 का 40 माइनस ए डबल डैश का 40, तो भी क्या सर यही आंसर आता, हाँ क्योंकि यहाँ पे आता A1 प्लस 39D, यहाँ पे क्या आता A2 प्लस 39D। सर अगर दोनों को काटेंगे तो 39D से 39D गेट कैंसल, बचता A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 इज अगेन 100। तो सर अगर दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है और उनके डिफरेंस इन देयर 1000 टर्म जो है जो 100 है, तो डिफरेंस इन देयर 10,000 टर्म भी 100 होगा, डिफरेंस इन देयर 40 टर्म भी 100 होगा। क्योंकि आप सोचो ना एपी कैसे चल रहे होंगे, समझो एक एपी शुरू हुआ होगा मान लो 3 से 3, 8, 13, तो दूसरा कैसे शुरू होगा 103 से 103, 108, 113, इसकी अगली टर्म होगी कितनी शायद 18, इसकी कितनी होगी 118। इसका मतलब सर इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर दोनों का डिफरेंस सेम चल रहा है 5, 5, 5 समझो, तो इनकी हर टर्म का डिफरेंस वही डिफरेंस होगा जो इनकी पहली टर्म का डिफरेंस था, और पहली टर्म का डिफरेंस कितना था 100, तो दूसरी टर्म का डिफरेंस भी कितना रहेगा 100, तो तीसरी टर्म का डिफरेंस भी कितना रहेगा 100, तो चौथी टर्म का डिफरेंस भी कितना रहेगा 100। क्योंकि अल्टीमेटली आप चेक करो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है A1 माइनस A2। क्या सर ये फाइंड द हाइट ऑफ अ मैन, हाइट ऑफ अ मैन हुज शैडो इज 4 meter लॉन्ग व्हेन sun's angle over him at a point on a ground is 30 degrees. Find the shadow of a pole which is 12 meter high at the same time. इसका क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक आदमी खड़ा था, हमने बोला ठीक है अगर अपन बात करें, अगर एक आदमी खड़ा था और सन का एंगल अगर अपन बात करें
सन का एंगल 30 डिग्री था, सन का एंगल क्या था 30 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा अपना बंदा ए बी, जिसकी शेडो है 4 मीटर लॉन्ग, जिसकी शेडो कितनी है 4 मीटर लॉन्ग, और सन का एंगल कितना था 30 डिग्री, ठीक है। तो आप उसकी क्या निकालनी है, हाइट। हमने बोला सर देखो हाइट पे ये सन अपना सूरज ही रहा, सूरज कहीं ऊपर है और ऊपर से एंगल 30 डिग्री। तो अगर सर आपको हाइट ऑफ मैन निकालनी तो अपन तो बोल देंगे 10 30 इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब पी अपॉन में कितना 4 इज इक्वल टू कितना 1/√3, तो पी इज इक्वल टू 4/√3, मतलब इस बंदे की हाइट तो सर 4/√3 है। और अगर मैं बात करूं यहां पे मैं 12 मीटर हाई की जगह, अब आपको बोला है उसी समय ये जो पोल है इसकी भी हाइट निकालो, इसकी शेडो की हाइट निकालो जो कि 12 मीटर हाई, कितना मीटर हाई है 12 मीटर हाई। तो हमने बोला ठीक है सन का एंगल तो उतना ही बन रहा है ना, तो सर अगर अपन बात करें सन का एंगल उतना ही बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोल है पी क्यू को अपन ने क्या मान लिया पोल, अब अपन बड़े वाले ट्राइंगल में पी क्यू आर क्या लगाएंगे अपन 10 30, तो 10 30 वुड बी इक्वल टू 12, ये जो 12 है अपॉन में ये पूरा क्यू आर जो उसकी शेडो बन रही है इज इक्वल टू कितना 1/√3, 12 अपॉन में क्यू आर इज 1/√3। और अगर अपने को क्यू आर निकालना हो तो क्यू आर कितना आ जाएगा 12√3, क्या आ जाएगा 12√3। तो आपको बोला है फाइंड द शेडो ऑफ अ पोल, तो पोल की जो पूरी शेडो बन रही है वो यहां से लेके यहाँ 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 तक आ रही, वो कितनी हो गई 12√3, कितनी हो गई वो 12√3, got it? हाँ कि ना, तो सर ये बात भी अच्छी। अगर कोई ये भी पूछ लेता कि मैन और पोल में डिस्टेंस कितना है, तो अगर आपको क्यूब की निकालना होता आप क्यूब की इज इक्वल टू लिख देते 12√3 जो पूरी शेडो है, 12√3 जो की पूरी शेडो है उसमें से आप कितना माइनस कर देते दोस्तों 4, 12√3 में से कितना माइनस कर देते आप 4, तो आपको ये क्यूपी आया था, क्यूपी इज द डिस्टेंस, क्यूपी इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड अ पोल। सर यहाँ पे ये पी बाय बी होता है, एच मतलब मैंने यहाँ पे हाइट ऑफ मैन निकाल लिया था इसलिए एच लिखा था, पी बाय 10 30 कितना होगा पी बाय बी, ठीक है क्या आपके पास, देखिएगा। तो सर कैसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार का है कि देख रखा है 20 to 60, 60 to 100, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देख रखा है 100 to 140, 140 to 180, 180 to 220। अगर हम बात कर लें अच्छे से और आराम से और 220 to 260, ठीक है, और यहाँ पे आपको एफ आई गिवन है आपके पास 7 5 16 12 2 और 3, मीन और मीडियन निकालने के लिए बोला है, मोड निकालने के लिए बोला है, निकालते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहूंगा अगर आपको लिखना हो तो पहले आप सी एफ निकाल लो, तो सर सी एफ कैसी आएगी 7 7 + 5 कितना हो गया 12 + 16 कितना हो जाएगा 28 प्लस 12 कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 इज 42 एंड प्लस 3 इज 45, तो सर टोटल तो आपके पास आ गया 45। मैंने बोला हाँ ठीक है, सर मीडियन निकालना हो तो n बाय 2 निकालना पड़ता है, तो n बाय 2 मतलब कितना 45/2 डेट इज इक्वल टू कितना 22.5, और उसको कहीं ना कहीं लोकेट करना पड़ता है किसमें सी एफ, तो सी एफ में कहीं मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके अगला वाला जो भी है उसको पकड़ लो। और फिर मीडियन का फॉर्मूला ही क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF अपॉन में F इनटू कितना H, L1 + n/2 - CF इनटू कितना H, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी बताओ, बताओ n/2 कितना आया हुआ है,
22.5. CF क्या है अगर अपन बात करें, CF ये आएगी कि इसके ऊपर वाली, इसके ऊपर वाले डेट इज 12 अपॉन में F कितना है आपके पास 16 इंटू एच कितना आ रहा है आपके पास 40. तो 100 प्लस 22.5 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपके पास 10.5 अपॉन में 16 इंटू 40. तो ये 4 जा और ये कितना आ गया 10 जा. सर कहीं ना कहीं 105 अपॉन में 4, तो 100 प्लस 105 अपॉन में 4 करोगे तो शायद ये 2 जा, फिर शायद 6 जा, 26.25. इस पूरे क्वेश्चन का जो मीडियन आएगा आपके पास वो आ जाएगा कहीं ना कहीं आपके पास 26.25 इस क्वेश्चन का मीडियन आ जाएगा. सर अगर हम आपसे ही बात करें अच्छे से कि किस तरफ आगे बढ़ना है, तो मैंने बोला अब अगर आप चाहो तो मुझसे xi निकलवा के फिर dx निकलवा के फिर ui, xi मतलब पेंगुलों की मिड वैल्यू कितनी है 40, यहाँ पे कितनी आएगी 80, इन दोनों की मिड वैल्यू कितनी 40 ऐड करते जाओ तो 160, देन 200, देन कितना 240. सर ठीक है, किसी भी चीज पे अगर अपन यहाँ पे a निकाल, क्या निकाल लिया, ये आपका क्या हो गया a. अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर अपन लेके चले तो यहाँ पे आएगा dx, इसका मतलब होगा xi माइनस a. सर अगर xi माइनस a मतलब 40 माइनस 120 कितना हुआ माइनस 80, 80 माइनस 120 कितना हुआ माइनस 40, 120 माइनस 120 कितना हुआ जीरो, देन 40, देन 80 एंड देन 120. अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ui का मतलब क्या होता है तो ui का मतलब होता है dx अपॉन में h, dx अपॉन में कितना h. सर h मतलब इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना चल रहा है हमारा, तो क्वेश्चन में हमारा h है 40, सबको 40 से डिवाइड कर, तो मतलब माइनस 80 को 40 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा माइनस 2, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा माइनस 1, 0, 1, 2 और 3. सबको अपन ने किससे डिवाइड कर लिया 40 से. अब आप निकालोगे fi ui, क्या निकालोगे fi ui. अब बता fi कितना है 7 इंटू माइनस 2, सर 7 इंटू माइनस 2 इज माइनस 40, 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5, 16 इंटू 0 इज 0, 12 इंटू 1 इज 12, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज वॉट 9, 3 इंटू 3 इज वॉट 9. तो सर अगर अपन देखें ध्यान से तो यहां पे तो माइनस 19 आ रहा है और प्लस के केस में 16 प्लस 9 25, मतलब 25 प्लस में आ रहा है तो 19 क्या में आ रहा है माइनस, तो 25 माइनस 19 कितना हुआ बोलो 6. मीन का अच्छा फॉर्मूला ही बता सकते हो, मैंने बोला हाँ यार कैसी बात कर रहे हो. तो अगर सर मीन का अच्छा फॉर्मूला देखा जाए तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मीन का फॉर्मूला जो आपका स्टेप डिविएशन फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू कितना h. सर यहाँ पे h का वैल्यू क्या है, आपने h से डिवाइड किया था ना पूरे क्वेश्चन, मैंने बोला हाँ h से डिवाइड तो किया था, तो अब h से क्या करूँ मल्टीप्लाई भी. तो सर अगर मैं बात करूँ a, a कितना है आपके पास 120 प्लस fi ui कितना है आपके पास 6 अपॉन में fi कितना है तुम्हारे पास 45 इंटू एच डेट इज कितना 40. सर ये कहीं ना कहीं 9 जा, ये कहीं ना कहीं 8 जा, तो सर कहीं ना कहीं अगर अपन देखें तो ये 3 2 जा, ये 3 3 जा, 120 अपॉन प्लस 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 अपॉन में 3, कहीं ना कहीं ये 5.33 आ गया. तो इस पूरे का जो मीन है, इस पूरे का जो मीन है वो दोस्तों 125.33 आ गया. इस पूरे का जो मीन है वो आ गया 125.3. आगे अगर बात करें सर मोड के लिए, तो मोड के लिए आपको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है और उसको नाम दो, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो F1, उसके वाली पहले वाली कितनी F0, उसके नीचे वाली कितनी F2, और जो ये लोअर लिमिट है
वो अपन लेते हैं। तो सर इसी क्वेश्चन में अगर आप हमको धीरे से मोड भी सिखा दो, तो मतलब देख मोड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखना चाहते हो और सिस्टमेटिक देखना चाहते हो, तो फॉर्मूला फॉर मोड विल बी L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू कितना H। अब अगर इसी में अपन लोअर लिमिट चेक करें तो लोअर लिमिट कितनी हो गई दोस्तों 100, पता F1 कितना है 16, F1 है 16, F0 कितना है, F0 चल रहा है 5, तो 16 माइनस 5 2 इंटू 16 माइनस 5 माइनस 12 इंटू एच, और एच का मतलब ही कितना होगा 40, इंटू एच मतलब कितना 40, तो कहीं ना कहीं 100 प्लस 16 माइनस 5 कितना हो गया 11, 2 इंटू 16 इज 32, और 32 में से कितने गए 12, तो कितने बचे 20 में से भी 5 गए तो 15 इंटू 40, तो कहीं ना कहीं अगर अपन देखें तो ये 3 जा और ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 जा, तो मोड आ जाएगा 100 प्लस 88 बाय 3, अब वो तुम देख लो कितना आता है शायद 2 जा 29.33। इस क्वेश्चन का मोड जो बन गया आपका वो आ गया 29.33। सर क्या बात कर रहे हो, मैंने बोला देखो एक तरफ मीडियन निकला हुआ है, एक तरफ मीन निकला हुआ है और एक तरफ मोड निकला हुआ है। कोई बच्चा मुझसे पूछे तो दिस इज मीडियन, दिस इज मोड एंड दिस इज मीन। सर क्या उमदा लेवल का क्वेश्चन है, मैंने बोला हाँ यार।